इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आज हम आपको दिखाएंगे, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दी क्या चेतावनी, अपने नए मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने दिया क्या नया मंत्र, और कश्मीर से डिलिमिटेशन पर आ रही कौन सी बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत जनसंख्या नियंत्रण पर आ रही एक बहुत बड़ी खबर से। आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि उनकी सरकार यूपी में जल्द ही जनसंख्या नीति लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या नीति बनकर तैयार है और इसे जल्द लागू भी कर दिया जाएगा। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सामने कल प्रेजेंटेशन दी गई। योगी आदित्यनाथ ने पूरा प्रेजेंटेशन देखा और समझा। जिस जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट सीएम योगी के सामने रखा गया वो 2021 से 2030 तक के लिए है। जनसंख्या नियंत्रण को बेहद जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, छोटा परिवार ही खुशहाल परिवार का आधार, प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी। जनसंख्या नियंत्रण से सभी को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर कल की कल्पना को साकार किया जा सकेगा और जनसंख्या कम होने से पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। योगी का कहना है कि हेल्दी सोसाइटी के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी और लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योगी सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, अब आप वो भी जान लीजिए। इस वक्त यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ से भी ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी में हालत यह है कि यहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 828 लोग रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जो ड्राफ्ट था जिसका प्रेजेंटेशन दिया गया, इस ड्राफ्ट में क्या कुछ है और कब से ये जनसंख्या नीति लागू होगी? देखिए, ऐसा है कि जो नेशनल हेल्थ सर्वे है उसके मुताबिक जो देश का आबादी दर है वो 2.2 है और उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो ये 2.7 है। तो सरकार ये चाहती है कि ये 2 के नीचे आ जाए, 1.97 आ जाए। तो यूपी में हालांकि सरकार कह रही है कि इस तरह की आबादी की नीतियां बनती रही हैं, जो आखिरी नीति बनी थी वो सन 2000 में बनी थी, जो 2016 तक थी। 2016 के बाद नई नीति की जरूरत थी तो अब ये नई नीति लाई जा रही है। सरकार कह रही है इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसलिए ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि जो यहाँ लॉ कमीशन है वो आबादी नियंत्रण के लिए कानून का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी सुविधाएं नहीं होंगी। अब जो ये प्रेजेंटेशन हुआ है मुख्यमंत्री के सामने, उसमें बहुत तरह की चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से आबादी कंट्रोल की जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है। उसमें मुख्यमंत्री ने कुछ सुझाव भी अपने कल दिए हैं प्रेजेंटेशन में, और उसके बाद ये जो सुझाव है मुख्यमंत्री के उसको नीति में शामिल करने के बाद ये नीति जारी की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो बड़ी वजह है आबादी बढ़ने की। तो एक तो शिक्षा पे बहुत जोर होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्कूल में हेल्थ क्लब होने चाहिए, जो माँ है उनके स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इस तरह की चीजें उन्होंने उस मीटिंग में बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि कुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी को यूपी में बढ़ती आबादी की चिंता है तो मोदी को बाजारों में उमड़ रही भीड़ की चिंता सता रही। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी चेतावनी दी। मोदी ने कहा, तीसरी लहर के खतरों के बीच लापरवाही भारी पड़ सकती है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़कों पर जुटी भीड़ को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी हो लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सबने भीड़भाड़ की तस्वीरें देखी, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ये अच्छी तस्वीर नहीं, इससे हमें डरना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय लापरवाही और आत्मसंतोष की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी गलती का भविष्य में बड़ा असर हो सकता है और ये कोरोना से उबरने की लड़ाई को कमजोर कर सकती है।
प्रधानमंत्री ने भीड़ को लेकर चिंता क्यों जताई, ये आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। कोरोना के आंकड़े कम होते ही टूरिस्ट प्लेस से लेकर बाजारों तक भीड़ उमड़ पड़ी है। मनाली हो या मसूरी, सोलन हो या नैनीताल, पर्यटकों का विशाल सैलाब उमड़ रहा है। हिल स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। दिल्ली मुंबई हो या छोटे शहर, हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन दिख रहा है। मुंबई के दादर मार्केट में आज से फिर डराने वाली तस्वीर आई। अब से थोड़ी देर पहले की अचल सिंह की रिपोर्ट देखिए, प्रधानमंत्री की चिंता की वजह आपको भी समझ में आ जाएगी। सर सब्जी मंडी में मौजूद है जहां का आप सुबह का नजारा देख रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ यहां पर इस समय मौजूद है। रोजाना का यहां का यही हाल रहता है। सुबह 5 बजे से ही हजारों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, कई लोगों के चेहरे से मास्क नदारद रहता है और यही वजह है कि बीते 2 दिनों में मुंबई में 1200 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। कल के दिन 540 कोरोना के मामले आए थे, तो वहीं बुधवार के दिन मुंबई में लगभग 700 के करीब कोरोना के नए मामले आए हैं, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मुंबई में संक्रमण का जो आंकड़ा है, कोरोना के जो नए मामले हैं, वो अब तक 500 से एक ही बार मुंबई में कम आया है, जब से मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और उसकी चिंता की वजह सबसे ज़्यादा ये भीड़ है। रोजाना दादर की इस पूरे मार्केट में अब जबकि अनलॉक का समय आ चुका है, दुकानें अब जो नॉन इरेगुलर या नॉन एसेंशियल है वो भी खुलनी शुरू हो जाती है। तो और आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें ही प्रधानमंत्री मोदी की चिंता का विषय भी हैं। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जगह जगह, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री को भी परेशान कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ कदम उठाने की बात की गई है कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें? मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन सारी बातों को कह रहे थे, तो यहाँ की तस्वीरों को दुनिया के दूसरे देशों में, दुनिया के कई देशों में जो तीसरी लहर शुरू हो गई है, उसके संकेत दिखने शुरू हो गए हैं, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने इन चीजों को जोड़ा था कि कैसे दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर आ रही है और अगर हम यहाँ पर सतर्क नहीं रहे तो जाहिर तौर पर ये कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हो सकती, ये खतरनाक हो सकती है। और इस लिहाज से सभी मंत्रियों के लिए भी जरूरी है कि वो लोगों को सोशल जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क लगाने का, इन सारे प्रोटोकॉल को लेकर लोगों को आगाह करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करते रहें। ये जरूर है, पीएम ने कहा इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सख्ती के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। और उसमें उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए और यहाँ जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें ये समझाया गया कैसे हमारे तरफ से लापरवाही हो रही है और इस लापरवाही को रोकने के लिए मंत्रिपरिषद के भी जो सदस्य हैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। जी, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कहा गया कि वो अपनी तरफ से प्रयास करें ताकि तीसरी लहर का असर कम से कम हो। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना पर देश की जनता को अलर्ट किया तो अपने मंत्रियों को भी काम करने का तरीका समझाया। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को 5 अहम मंत्र दिए, कहा कि मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी ना करें, मंत्रालयों के कामों में पूरी तरह से शामिल रहें, विभागीय खर्च में कटौती करें, संसद की कार्यवाही में पूरी तैयारी से आएं और स्वच्छता कार्यक्रम पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को काम करने के तरीके तो समझाए ही, ये भी बताया कि पुराने मंत्रियों का काम भी बहुत अच्छा था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मोदी ने रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का जिक्र किया और कहा कि ऐसा नहीं कि ये लोग काबिल और क्षमतावान नहीं हैं, ये व्यवस्था के चलते हटे हैं। उन्होंने नए मंत्रियों को नसीहत भी दी कि पुराने मंत्रियों से मिलें और उनके अनुभवों का फायदा लें। देवेंद्र पराशर हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जब से 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उसमें कई हैवीवेट नाम थे, चर्चा हो रही थी कि आखिर इनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा। कल की जो बैठक हुई, क्या उसमें प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उससे तस्वीर कुछ साफ हुई? जी निश्चित तौर पर, और ये प्रधानमंत्री बेसिकली जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो कल वहाँ मौजूद थे और जो खासतौर पर वैसे मंत्री जिन मंत्रियों को हटाया गया है उनके जिम्मे उन मंत्रालय का कार्य आया हुआ है, तो वैसी स्थिति में उन्होंने ये नसीहत दी कि ऐसा नहीं है कि जो मंत्री, जैसे उन्होंने नाम लिखी है, कहा कि रविशंकर प्रसाद हों या जावड़ेकर हों, इन्हें क्षमता नहीं थी, ये काबिल नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि एक व्यवस्था थी जिसके व्यवस्था के चलते ऐसा फैसला हुआ है, लेकिन आप लोग
जो कि इन मंत्रालयों का जिम्मा आप संभाल रहे हैं, उनसे जाकर जरूर मिले और उनके अनुभवों का फायदा उठाया जाए। तो अगर पीएम की एक कोशिश रहती है कि आप देखें भी तो सरकार एक उनकी जो पॉलिसीज होती है वो एक कंसिस्टेंसी के तहत चलती है। ऐसी स्थिति में जिस जो भी मंत्री प्रेडिसर से आपका रहा है वहाँ पे नए मंत्री जाकर अगर उनके अनुभव का फायदा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यक्षमता में कार्यक्षमता में और बढ़ोतरी होगी। उसी संदर्भ में ये नसीहत थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। तो मंत्रियों की नई टीम बनते ही सरकार ने दो बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। पहला ऐलान कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए, तो दूसरा ऐलान किसानों के लिए किया गया। अपनी नई टीम के साथ पहली कैबिनेट बैठक पे प्रधानमंत्री मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया है। हर जिले में बच्चों के लिए स्पेशल केयर यूनिट बनाने का फैसला किया गया और किसान मंडियों के लिए 1,00,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज कोविड से लड़ने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च किया जाएगा और मंडियों को मिलने वाला 1,00,000 करोड़ का फंड किसानों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने अगले 9 महीने के प्लान को मंजूरी दी। 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज से देश के 736 जिलों में पीसीयू यानी पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनेगी। देश में 2,44,000 नए बेड बनाए जाएंगे। हर जिले में 10,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन स्टोर करने की तैयारी की जाएगी। हर जिले में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन एम्बुलेंस और दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे। किसानों के फायदे के लिए सरकार ने स्कीम तैयार की। जो फंड दिया है वो कैसे खर्च होगा इस बारे में भी सरकार ने अपनी योजना बता दी। इस फंड से किसान समूहों को 2 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। सरकार का प्लान है कि एपीएमसी मंडियों को मजबूत किया जाए, साथ ही उन्हें और संसाधन दिए जाएं। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा। और जो कृषि अवसंरचना फंड 1,00,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधित किया गया है, उस 1,00,000 करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। यह एनकाउंटर कुलगाम के रेडवानी इलाके में चल रहा है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की जिसके बाद तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से आ रही। 4 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए डिलिमिटेशन कमीशन का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का आज आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन अहम है क्योंकि कश्मीर और जम्मू दोनों में 4 दिन तक अलग अलग सियासी दलों से मिलने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन आयोग आज मीडिया से बात करने वाला है, यानी वो बताने वाला है कि उसने अभी तक क्या कुछ किया है। कमीशन के सदस्य दौरे के पहले चरण में 6 जुलाई को श्रीनगर पहुंचे और 2 दिन घाटी में बिताने के बाद जम्मू आए। उसके बाद से जम्मू क्षेत्र के सियासी दलों के साथ बैठक का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे तकरीबन सभी दलों के प्रतिनिधियों से ने निष्पक्ष डिलिमिटेशन प्रक्रिया की मांग की। अब दोपहर 12 बजे के बाद कमीशन के सदस्य मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। एक तरफ आप एक विधान एक प्रदान कर रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार ने उसको खुद ही तरमीम नहीं किया? ये करके अगर पूरे देश में 2026 में डिलिमिटेशन होना है, जम्मू कश्मीर में आज 2021 में ही डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? अगर पूरे हिंदुस्तान में 2026 तक कोई डिलिमिटेशन किसी रियासत का नहीं होना है तो जम्मू कश्मीर का क्यों? ये लगता है कि कुछ खदशा है हमें
कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये रियासत के लोगों के आवाम के हकूक पर एक छापा है। जैसे इन्होंने 370 और 35 से हटाया, वैसे ही ये यहाँ डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं और पीडीपी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इनको कहा कि यहाँ पे कुछ फिरका परस्त ताकतें इस डिलिमिटेशन की आड़ में सर उठा रही हैं और रियासत के इतिहाद को पारा पारा करना चाहती हैं। उनकी किसी भी सूरत में हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। कमीशन को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के मफाद को जख्म पहुंच जाए। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मंजूर, डिलिमिटेशन को लेकर जो कश्मीर की पार्टियां हैं वहां की, उनके सुर हमने सुने कि वो इससे खुश नहीं हैं, लेकिन अभी तक डिलिमिटेशन जो आयोग था उसने किससे किससे मुलाकात की है और क्या कुछ बातें उनके सामने रखी गई, कोई जानकारी? देखिए अर्चना, जम्मू कश्मीर के चार रोजे दौरे पर पहुंची डिलिमिटेशन कमीशन की दौरा जो है आज वो मुकम्मल हो चुका है और 12:15 बजे के आसपास वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसमें वो सारा खुलासा पेश करेंगे कि कितने पॉलिटिकल पार्टियों से वो मिले। हालांकि जम्मू कश्मीर की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से 10 पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबर्स जो है उनसे मिले, डेलीगेशन की टीम गई, सबों ने अपने अपने प्रस्ताव सामने रखे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो बड़ी पार्टी पीडीपी और एएनसी है उन्होंने इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। लेकिन सबों ने अपने अपने सुझाव जो है डिलिमिटेशन कमेटी के सामने रखे और ये मांग की कि अगर डिलिमिटेशन होती है तो वो इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में 2026 तक डिलिमिटेशन पर रोक लगी हुई है तो फिर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन क्यों? ये बड़ा सवाल था जिस पर उन्होंने एतराज़ जताया। हालांकि कांग्रेस ने ये मांग की कि पिछले 1.5 साल में जब से ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है तो जो खाका अब तक तैयार किया गया है उसे सामने रखा जाए, उसके बाद कांग्रेस जो है इस पर। चलिए, तो आज दोपहर 12 बजे जब ये आयोग प्रेस ब्रीफिंग करेगा तब काफी कुछ साफ होगा कि आखिर अभी तक क्या बातचीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।